बालेश्वर में नीलगिरी गोपीनाथपुर रेल स्टेशन का लोकार्पण होगा। यहाँ से पैसेंजर ट्रेन चलेगा 13 तारीख को, इसलिए हमने ये सांवादिक सम्मेलन बुलाया। आप लोग इसको प्रचार करिए, इसमें जन भागीदारी को आप प्रोत्साहित करिए। एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा, एक छोटा सा गांव में, एक पहाड़ के किनारे में ये चलेगा ट्रेन, ये एक बहुत बड़ा उत्साहप्रद अनुभूति है। हमारा स्वप्न साकार होगा, आज़ादी के 76 साल बाद नीलगिरी से गाड़ी चलेगी, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। माननीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम इसलिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये वनवासी बहुल इलाके से एक गाड़ी चलेगी, ट्रेन चलेगी, हमारे गरीब लोग अपना सामान सस्ते से सुविधापूर्वक आरामदायक रीति से इसको ले आएंगे, इसलिए ये हमको बहुत प्रेरणा देता है। दूसरी बात है कि इस समय में रेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जैसा कि बालेश्वर से लगभग 3 ट्रेन चलता है, एक ट्रेन जलेश्वर से पुरी तक, दूसरा ट्रेन बालेश्वर से भुवनेश्वर तक, ये नया ट्रेन चालू हुआ, और वंदे भारत ट्रेन इस रूट में चलता है, इसमें बालेश्वर में भी स्टॉपेज है। अमृत भारत ट्रेन चला अभी अभी, इसमें बालेश्वर जिले में 3 स्टॉपेज है, जलेश्वर, बालेश्वर और सोर। इसलिए रेल के क्षेत्र में हमारा अनुभूति अत्यंत आनंददायक है और जनसाधारण का कल्याण भी इसमें होता है। ये एक नया अध्याय जोड़ जाएगा, ये गांव से नया ट्रेन चलेगा। और बेतनोटी में एक शबुए का भी उसी दिन शिलान्यास करेंगे माननीय मंत्री। रेल के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। अब बेतनोटी स्टेशन भी बहुत बड़ा, अमृत भारत योजना में इसका बहुत बड़ा विकास होगा। बालेश्वर का हर स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है और खुद बालेश्वर स्टेशन एक विश्वस्तरीय स्टेशन होने वाला है। इसमें 300 प्लस करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसलिए हमने देखा कि जब से आप एमपी बने हैं, रेल के प्रति जो है आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बालेश्वर में नया डिज़ाइन से जो स्टेशन का जो बनने का जो उद्घाटन किया गया था, सर ब्रिज के लिए लेकर जो है बहुत असुविधा यात्री करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे सर? इसमें एक तो अरण बाजार में जो ब्रिज इसका एक्सपेंशन करने के लिए मंत्री जी स्वीकृति दे दिया, दूसरा जो निधि पंडा के पास में जो ब्रिज बहुत नीचे होता है, इसके कारण जो किसान लोग धान वगैरह कुछ लेकर के आते हैं ये नहीं जा पाता है गाड़ी में, इसलिए वो बहुत परेशान है। माननीय मंत्री जी को इस स्थान को मैंने लेकर के दिखाया और ये दो स्थान के लिए माननीय मंत्री जी प्रकल्प को मंजूरी दे दिया है, और ये भी शीघ्र शिलान्यास होगा, टेंडर फ्लोट होकर के ये भी शीघ्र शिलान्यास होगा, काम चालू हो जाएगा। बालेश्वर से खड़गपुर 6 लेन अपने बालेश्वर से खड़गपुर 6 लेन और बालेश्वर से सरगढ़ से झरना घाटी ये 4 लेन अभी काम चल रहा है, 4 लेन वाला ये काम अब तक चालू हो गया होता, थोड़ा सा विभाग में लेट हो गया क्योंकि जो कंसल्टेंसी था, मैं इसको रेगुलर फॉलोअप करता हूँ, लगभग हर महीना में मैं एक बार मंत्री जी को मिलता हूँ और विभागीय अधिकारी को मिलता हूँ, चिट्ठी भी 5 बार मैंने कर दिया है, इसलिए लंबा ये हुआ। ये विभागीय अधिकारी ने मंत्री के सामने ये स्वीकृति दिया था कि 2 महीना में हम DPR कर देंगे, लेकिन 8 महीना हो गया, DPR नहीं हो पाया। मंत्री जी DPR के लिए क्लियरेंस दे दिया, चिट्ठी भी मेरे को दे दिया कि DPR बनने वाला है, फिर मैं जा कर के मंत्री जी को मिला। अभी लेटेस्ट ये पार्लियामेंट के बाद भी मैं मिला, पार्लियामेंट समय मिला था, पार्लियामेंट बाद भी मिला था, और माननीय मंत्री तुरंत विभागीय अधिकारी को डांटा क्यों लेट हुआ। अधिकारियों ने इसको जांच करके बताया कि जो कंसल्टेंसी को करता था वो अंत में बीच में छोड़ के चला गया, इसलिए दूसरा नया कंसल्टेंसी को दिया गया है और फरवरी अंत तक ये हो जाएगा। इसका DPR कंप्लीट होने के बाद ये टेंडर फ्लोट करेगा और उसके बाद ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो नीलगिरी से ट्रेन चलेगी। हाँ, बहुत खुशी, आम जनता बहुत खुश है।